वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि हमारा घर शिफ्टिंग का काम चल रहा था और वह हाल ही में ख़त्म हुआ आजकल में ही, तो थोड़ा टाइम मिला और रात को हम घूमने निकले और हम आए हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। तो ये सेक्टर 17 में हम इसलिए आए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पर मैं काफ़ी रील्स भी देख रहा था इंस्टाग्राम वगैरह पर और काफ़ी मैंने शॉर्ट्स वगैरह रील से वीडियोज़ देखी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइटिंग वगैरह से सजाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ तो मेरे पीछे ही देखिएगा। मैं इसका एक कंप्लीट टूर कराऊंगा आपको अभी। तो आज कल है, आज छोटी दिवाली। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज सेक्टर 17 का हम टूर करेंगे और मैं निकला हूँ यहाँ पर फैमिली के साथ। मेरे साथ शिवानी है और भी कोई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ हैं ये मेरे फादर इन लॉ और ये है मनीषा। मनीषा हेलो बोलो। और अच्छा शिवानी उधर भागी है, शिवानी आते ही कुछ खाने पीने के लिए। हेलो, तंदूरी चाय। तंदूरी चाय अभी आते ही? आते ही रास्ते। शिवानी और एक वो कहे रितिक और मेरे साथ है रितिक। रितिक को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। रितिक ये उधर कुछ ढूंढ रहे हैं खाने पीने के लिए। से हेलो चाय। तो पहले अभी हम जस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं चाय पीने के लिए। एक्चुअली में हम घर से जो निकले थे वो चाय पीने के लिए निकले थे। रात के बजे हैं अप्रोक्सीमेटली 11 और खाना खाने के बाद मन किया चलो निकलते हैं। और मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं तो चाय पीने निकले हैं। सामने पीछे तंदूरी चाय बिक रही है। एंट्री की हमने गाड़ी पार्क कर दी। सबसे पहले चाय पियेंगे उसके बाद छोटा सा टूर करेंगे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी तक कितनी रौनक है। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे हैं जैसे मैंने बताया और 12 बजने वाले हैं, अभी तक बहुत रौनक। ओह ये देखो यार अभी तक कितनी फैमिली यहाँ पर आ रही है और कल दिवाली है तो लोग काफ़ी शॉपिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें अभी तक खुली है। तो वहाँ तक पूरा डेकोरेशन है, पूरा सेक्टर 17 का एरिया है ये, शॉपिंग का एरिया। और ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर इन लोगों ने बनाया हुआ है। एंड उधर की तरफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री पॉइंट इन लोगों ने सजाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लाइटिंग मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यार, पहले चाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा घूमते हैं यहाँ पर। बताना भूल गया हमारे साथ एक छोटा सा इंसान भी है जो कि है मिमिष्का। बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमने अच्छी तरह से रैप किया हुआ है, बट इसको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अभी से इसको पसंद है ट्रैवलिंग करना। जो हम लेते हैं सबसे पहले तंदूरी चाय यहाँ पर मिल रही है। तंदूरी चाय ऐसी ठंड में अगर पियेंगे तो बाकी में अपनी एक अलग ही मज़ा है। और ये इनका तरीका है तंदूरी चाय बनाने का, देखिए। बोल दी चाय, चाय बोली सभी के लिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे चाय मिल रही है, तो चाय का मिली थी पिछली बार यार। चाय मिली थी बट अच्छी नहीं मिली थी हमारे। नहीं, चाय नहीं मिली थी यहाँ पे लास्ट। नहीं मिली थी जब हमें सोडा पी के जाना पड़ा वापस। ये अभी लगाए इन लोगों ने। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे ना तो हमने यहाँ पर एक पूरा कम्प्लीट वीडियो बनाया था। वो वीडियो मेरा काफी अच्छा वायरल हुआ था, सेक्टर 17 का वीडियो। तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गए। तो आज ये दोबारा हम सेक्टर 17 का वीडियो बना रहे हैं। पर देखो यार लोग अभी तक कितना भीड़ है, 12 बजे करीब। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर ये अपनी सेल्फी बनवा रहे हैं, क्या बात है यार गजब। आ जाओ सेल्फी पॉइंट पे एक सेल्फी, चलो तुम। अरे तुम चढ़ोगे तो नया हो जाएगा वो, मुझे लगता है वो अभी बंद कर दिया है। वाटर फाउंटेन होते हैं देखो उधर एंट्री पे जाता है, अच्छा वहाँ चल लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी चलते हैं चाय पी के उधर। टाइम लगेगा गुड्डू, टाइम लगेगा। इसको लगेगा टाइम क्योंकि थोड़ी भीड़ है और जैसी ठंड हो रही है, ठंड अभी बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है तो चाय पे ज़्यादा टूट रहे हैं लोग, तो टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा क्यू लगा वहाँ पर आने में तो लगेंगे अभी 15 से 20 मिनट क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। मैंने सोचा इतने हम एक छोटा सा टूर कर ही लेते हैं। यार कितना प्यारा सजाया हुआ है, जितना भी कवर होगा मैं उतना कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ा एरिया। अब कुछ एरिया की लोगों ने पार्किंग भी की हुई है, वहाँ भी पार्किंग है, उस तरफ भी पार्किंग है, चारों तरफ देखा जाए तो। बट यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं लाइटिंग वगैरह।
कुछ कपड़ों के शोरूम्स अभी तक खुले हुए हैं और ये है मेन एंट्री पॉइंट सेक्टर 17 का, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। एक्चुअल में यहाँ से मेन एंट्री है और इन्होंने ये एंट्री पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। तो ये देख कितना प्यारा लग रहा है यार। आपने देखा यार कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस पूरे सेक्टर को सजाया हुआ है और बाकी में इस बार तो जेन्यूनली ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, यहाँ का जितना भी डिपार्टमेंट है, और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी खर्च किया है, ये लग भी रहा है। और मैं पहली ऐसी दिवाली है जो मैं चंडीगढ़ में मना रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं हर बार अपने गाँव जाता हूँ, और यहाँ मेरा प्लान हुआ एकदम से आने का, बट यहाँ के मन खुश हो गया काफ़ी, बहुत अच्छा लगा। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो मुझे लगा था लोग तो शायद यहाँ से चले गए होंगे, तो अभी कोई जाने का बनता नहीं है, बट शिवानी ने कहा चलो एक बार चक्कर मार ही लेते हैं, चाय पीने तो हम वैसे भी निकले ही थे। तो यहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, लोग अभी तक भी कितना घूम रहे हैं, और कुछ शॉपिंग के जो स्टॉल्स वगैरह वहाँ पर अभी तक लगे हुए हैं एंड कुछ शॉप्स भी खुली हुई हैं। मेरे पास अभी कॉल आ गई है शिवानी की, चाय रेडी हो गई, पहले हम पीते हैं चाय। तुमने मेरे बिना चाय पीनी स्टार्ट कर भी दी, क्यों, कैसा चाय का टेस्ट कैसा? मुझे पता था तंदूर चाय इतनी अच्छी नहीं होती जितना तुम बोल रही थी। नहीं आती लगती। कितना प्राइस लिया इसका? 61 रुपीस। वैसे तो ठीक है बट इतनी ज़्यादा जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा लगी नहीं। यहाँ पर जो तंदूरी चाय मिल रही है उसमें इतना मज़ा आया नहीं है जिस तरह से हम एक्सपेक्टेशन थी हमारी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीता हूँ और इलायची की मैं पीता नहीं हूँ, तो इलायची में ज़्यादा है तो मुझे नहीं अच्छी लगी है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़। चाय हमने पी ली है और चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी का टूर सेक्टर 17 का। देखिए लोग अभी तक यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं, और खिलौने वाले भी अभी तक हैं, आइसक्रीम वाले भी अभी तक यहाँ पर हैं, और बाकी कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, चश्मे बेचने वाले भी यहाँ पर हैं। और ये देखिए आगे जाके कितना मस्त इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये इस तरह के जो अम्ब्रेलाज लगे हैं ना, इस तरह का मैंने थाईलैंड की एक मार्केट में देखा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, यहाँ इन लोगों ने लगाया हुआ इस तरह से। जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पर ही सारे लोग अपने फोटो खिंचा रहे हैं फैमिली के साथ। ये देखिए सबसे ज़्यादा क्राउड इसी जगह पर है, यहाँ पर ही ज़्यादा फोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पर ना एक पीछे की तरफ वाटर फाउंटेन भी चलते हैं, बट एक्चुअली में वो अभी बंद कर दिया गया है, उसका रीज़न पता नहीं है, बट आई थिंक वो 9-10 बजे तक ही चलता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैपनिंग से लग रहा है मुझे ये प्लेस। अकेले क्या कर रहे हो? मैं शूटिंग की तैयारी सभी फोटो खिंचवा रहे हैं उधर देखो, चलो आपकी फोटो खींच देते हो। अच्छे हंसी आ गई, हंसी आ गई, मतलब खिंचवाने हैं।
अरे चलो तो बढ़िया लग रहा है, मस्त स्मार्ट। नहीं नहीं सच में ये तो लगता है आज पूरी रात जितनी भी फैमिली यहाँ आई है ना सभी फोटो खिंचवाने वाली है, क्योंकि आई थिंक एक दो दिन में ये चीज़ यहाँ से हट जाएंगी। और मेरे पीछे देखो, मैं थंबनेल लेने के लिए यहाँ पीछे खड़ा हुआ, बट एक ही फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आई क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई आ ही रहा था। तो चाय पीने के बाद, वैसे आइसक्रीम खाने का मन था, चाय पीने के बाद अभी मन तो कर नहीं रहा है, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और शिवानी वगैरह वो तो अभी उधर गाड़ी के पास चले गए हैं। मैं भी थोड़ा सा टूर कराने आया था और ये सेक्टर 17 का टूर था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे घूमने का, मन तो कर नहीं रहा अभी घर जाने का। और लोग यार मक्की वगैरह भी खा रहे हैं देखो अभी तक, क्या बात है, मेरा बहुत मन है। आप खाओगे क्या मक्की? नहीं? तो यहाँ पर मक्की वगैरह, चाय वगैरह, सर्दियों में जो चीज़ें अच्छी लगती ना एक्चुअली, चाट चूट ये सारी चीज़ें, अभी तक इन चीज़ों की दुकानें खुली हुई हैं, तो कुछ शॉपिंग के भी ऑप्शन छोटे मोटे खोले रखे हैं इन लोगों ने, खाने पीने वगैरह के उधर भी है काफ़ी। और ज़्यादातर यहाँ जितनी भी फैमिली लग रही है मेरे को, वही बच्चों के साथ आके फैमिली एंजॉय कर रही है वो ज़्यादातर है। और ये रहा यहाँ का सेल्फी स्पॉट पॉइंट, जो भी ज़्यादातर फैमिली यहीं आकर ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो काफ़ी अच्छी रौनक लग रही है यार दिवाली पर यहाँ पर। ये था एक छोटा सा टूर सेक्टर 17 चंडीगढ़ का दिवाली के ओकेज़न पर। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था यार ब्लॉग बनाने की, बट मैं किसी ऑक्यूपेंसी की वजह से यहाँ आ नहीं पा रहा था, बट आज टाइम मिला तो जितना भी मैंने कवर किया इसको कवर कर लिया हमने, और जितना भी यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी। बट एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, यहाँ पर जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 9:30 या 10:30 बजे तक चलते हैं, प्ले ही बंद हो गया था तो इसलिए हम उनको दिखा नहीं पाए हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और अब हम इस ब्लॉग को यहाँ पर फिनिश करते हैं। और कल है बड़ी दिवाली, तो सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएँ दीपावली की, और सेफ़ अच्छी तरीके से दिवाली को मनाएं, सेफ़ तरीके से मनाएं, आपको आपके परिवार को सभी को अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। बाय।